What is up YouTube की खबर? Welcome to my channel and you're watching the Dusky Bomb. तो आज हम लोग follow करने वाले हैं अक्षय सर का diet plan. Well, पूरा industry का bodybuilding एक तरफ, अक्षय सर का diet एक तरफ. अक्षय सर is one of the fittest Bollywood actor in India. पर उनका diet plan जो है वो बहुत ज़्यादा अलग है. वो ऐसा खाना खाते हैं जो हर कोई खा सकता है. वो उनका जो डाइट प्लान है वो बहुत ज्यादा कंपैटिबल है एंड ही एंजॉयज हिज लाइफ सो वेरी मच. उन्होंने बहुत इंटरव्यू में कहा है कि वो खिचड़ी खाते हैं, दाल खाते हैं, पराठा खाते हैं, घी खाते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारे खास करके हमारे यंगस्टर्स में एक जो चल रहा है वो घी खाना भूल गए हैं, माँ का घर का खाना भूल गए हैं, दूध पीना भूल गए हैं, दही लस्सी वो हर चीज खाते हैं जो एक नॉर्मल इंसान खाता है, बट ही इज फिट. बात यही है, उनका मानना ये है कि शरीर को इतना खाना चाहिए नहीं. पर हाँ, उनका एक्टिविटी लेवल बहुत ज्यादा है. आज सुबह बहुत जल्दी हो गया एट 4:30 बिकॉज वो सुबह उठते ही करते हैं अपना फास्टर कार्डियो जो है स्विमिंग. तो मैं भी उठ गया, अभी मैं भी सुबह फास्टर कार्डियो करूंगा. उसके बाद वो करते हैं अपना ब्रेकफास्ट जो है 6:30 को. आज टोटल 4 मील होने वाले, 4 स्मॉल मील्स जहाँ प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स सब कुछ इक्वल है. ऐसा नहीं है कि प्रोटीन बहुत हाई है, सब नॉर्मल है. वो बहुत ज्यादा प्रोटीन वाला डाइट प्रेफर नहीं करते, वो नॉर्मल डाइट. उनका जो दिन का प्रोटीन इंटेक है वो मेरा हाफ भी नहीं है. लाइक मैं दिन का 140-150 ग्राम प्रोटीन इंटेक करता हूँ, पर उनका नियरली 70 ही है. तो इट इज वेरी लो, बट स्टिल ही हैज दैट फिट फिजिक. तो अभी बात ना करते, लेट्स गो टू द ब्रेकफास्ट. वेलकम बैक. फिर टाइम फॉर द फर्स्ट मील. अभी बजे तकरीबन 6:30. तो मैं 4:30 बजे उठ के जैसे मैंने बोला एंड नाउ 6:30, सो टाइम फॉर द फर्स्ट मील नाउ. तो अभी अक्षय सर एक बहुत अच्छा स्विमिंग करके अपना फर्स्ट मील लेते हैं बिकॉज वो फास्टर कार्डियो करते हैं एंड जैसा मैंने बोला एक वो एक टाइप का इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं. तो जो भी हो, फॉर द फर्स्ट मील अक्षय सर खाते हैं कोई भी नॉर्मल सा ब्रेकफास्ट जो उनके घर में बनता है. एंड ही इज अ बिग फैन ऑफ पराठा एंड विदाउट ऑयल ऑब्वियसली. तो यहाँ मैंने लिया है पराठा, दाल का पराठा जो मेरी मम्मी ने बनाया है. एज यू कैन सी बहुत ही खतरनाक बनाया मम्मी ने. मेरे को पता है मैं ऐसा खाता तो हूँ नहीं, पर बिकॉज अक्षय सर खाते हैं तो खाना पड़ेगा. एंड 1 glass ऑफ लो फैट मिल्क एंड साथ में अचार. अब अक्षय सर का डाइट प्लान बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है. लाइक वो दूसरे जैसा हाई प्रोटीन वाला खाना नहीं खाते जैसे मैंने बोला. लेट्स टेस्ट चेक. ऐसे नॉर्मल ट्राई करते हैं पहले. आई शुड नॉट से दिस नाउ बट एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो आई विल से डब्ल्यू ओ डब्ल्यू मोमेंट. मम्मी का खाना इज खतरनाक. तो ये मिल खत्म. एज यू कैन सी बहुत ज्यादा टेस्टी मिल था. वेलकम बैक. सो इट्स टाइम फॉर द सेकंड मील राइट नाउ. अभी बजे तकरीबन 11:30. वेल, अक्षय कुमार सर ये जो मील है ये ऑन द गो खाते हैं बिकॉज वो बहुत बिजी रहते हैं अपने काम के चक्कर में, इसलिए वो ऑन द गो ये मील खाते हैं. दिस इज प्योरली अ वेरी गुड स्नैक. यहाँ पे अक्षय सर खाते हैं नट्स. मैंने यहाँ पे पीनट्स ले लिया एंड पीनट्स विद स्मॉल आलमंड्स एंड विद डेट वो खाते हैं बनाना. तो मैंने यहाँ बनाना लिया है एंड विद डेट कर्ड जो होता है खट्टा वाला कर्ड. तो दिस इज व्हाट अक्षय सर हैज ऑन द गो एट 11:30 शार्प. उनका जो ईटिंग टाइम है वो एग्जैक्टली परफेक्टली एट द सेम टाइम है. सुबह के 6:30 बजे, 11:30 बजे, 2:30 बजे, 6:30 बजे, ये 4 टाइम है जब वो खाते हैं. एंड इन द मीनवाइल बीच बीच में वो कभी जूस पी लेते हैं नहीं तो ब्लैक कॉफी पीते हैं. ये वाला कर्ड घरे बना हुआ था तो नॉट बैड, खट्टा है पर अच्छा है. तो लेट्स फिनिश दिस मील. ये एक्चुअली सर का प्री वर्कआउट मिल है. इसके बाद सर जाते हैं अपना बॉडी वेट ट्रेनिंग के लिए. यस, बॉडी वेट ट्रेनिंग, नॉट वेट ट्रेनिंग बट बॉडी वेट ट्रेनिंग. आई शो यू, मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने वाला हूँ वैसा टाइप का. आई शो यू इन द जिम. पर ये मील खत्म हो गया, इसके बाद हम लोग करेंगे लंच एंड देन हम लोग जाएंगे अपना जिम में. सो लेट्स गो. व्हाट्स अप, इट्स टाइम फॉर द थर्ड मील नाउ जो है लंच. एंड अकॉर्डिंग टू द डाइट प्लान लंच काफी हद तक एक टिपिकल इंडियन डाइट ही था. यहाँ पे फॉर द लंच अक्षय सर रेगुलरली खाते हैं लेंटिल्स, दाल रहता ही है, विद दैट लिटिल बिट ऑफ कर्ड, विद दैट ब्राउन राइस एंड
कोई भी लीन मीट एंड मैक्सिमम वो चिकन खाता है. चिकन वो बहुत कम खाते हैं पर वो खाते हैं. उनका डाइट मैक्सिमम वेजिटेरियन ही होता है पर वो चिकन ऐड करते हैं. एंड कभी कभार वो सब्जी भी ऐड कर लेते हैं दोपहर को, बट मैक्सिमम सब्जी वो रात को ही खाते हैं. इसीलिए यही है उनका लंच. एंड कभी कभार वो खिचड़ी वो सब भी खा लेते हैं. एंड वो घी भी पसंद करते हैं, घी भी खाते हैं कभी कभार, पर मैंने वो नहीं लिया है. जो वो टिपिकली खाते मैंने वही लिया. तो टेस्ट चेक करते हैं. दाल तो बढ़िया है, रोज मम्मी ने बनाया. चिकन राइस ट्राई करते हैं. You know it. W. Oh, the moment. Woo. Chicken बहुत tasty बनाया. Without oil बनाया but बहुत tasty है. इसके बाद मैं जाऊँगा सीधा जिम. And जिम में मैं बहुत सारे एक्सरसाइज करूँगा जो अक्सर करते हैं. I'll show you. And then we'll meet you in dinner. तो इसको खत्म करते हैं. मील्स के बीच में गैप बहुत ज़्यादा कम है, भूख लग ही जाता है. एंड इस मील के बाद डायरेक्टली डिनर है. तो ये मील तो काफ़ी बड़ा था, मेरा पेट पूरा फुल हो गया. इसके बाद होगा जिम एंड उसके बाद होगा डिनर, वो होगा 6:30 बजे. तो लेट्स मीट यू इन डिनर. सो अभी हम लोग आए हैं जिम में. जिम में अच्छे से जो ट्रेनिंग करते हैं लाइक फ्री हैंड ट्रेनिंग हम लोग वो सब करने वाले हैं. वी वोंट यूज एनी वेट्स, हम लोग सिर्फ करेंगे हाथ के एक्सरसाइजेस. तो लेट्स सी मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं. तो लेट्स गो. लास्ट ऑफ द डे जो है डिनर. एंड डिनर के पहले मैं बोल दूं, जो लोग इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं बहुत स्टार्ट से, उन लोगों को पता है जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था 3 महीने पहले, तब मैंने मेरा बाल पूरा काट दिया था. एंड अभी बाल का इतना ग्रोथ हो गया कि आई कैन डू अ हेयर स्टाइल. तो जिम से पहले मैंने एक हेयर कट किया, तो बताइएगा कैसा लग रहा है. तो जो भी हो, सो आफ्टर द लंच वी वेंट टू द जिम. एंड आप लोग को देखा है हम लोग ने बॉडी वेट ट्रेनिंग किया. एंड बॉडी वेट ट्रेनिंग के बाद करते बहुत ज्यादा भूख लग रहा था बिकॉज खाना बहुत ही कम था मेरे लिए. एंड आपको बोल दूं मैं अभी टाइम कितना हुआ है, इट्स ओनली 6:30. जी हाँ, 6:30 बजे अक्षय सर अपना डिनर कर लेते हैं. सो फॉर डिनर अक्षय सर खाते हैं वेजिटेबल्स एज यू कैन सी एंड सूप. जी हाँ, सूप. अब सूप कोई भी था, चिकन या वेज, तो बिकॉज एवरीथिंग वेज मैंने चिकन सूप ले लिया. थोड़ा बहुत ग्रेटेड चिकन डाल दिया इसमें. तो ये मैंने खुद से बनाया है टोमेटो चिकन सूप विद दैट इतना सारा वेजिटेबल्स. यहाँ पे गाजर है, सॉटेड गाजर. यहाँ पे क्यूकुम्बर जो कच्चा है. एंड सम सूप. सूप को मैंने बनाया है प्लेन, कुछ तेल भी लगने का है, पर सूप काफी अच्छा बना है. लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम अच्छा सूप बनाया है. तो इस मील को खत्म करते हैं, देन बात करते हैं. तो ये मील भी खत्म. एज यू कैन सी ये काफी बड़ा मील था एंड कैलोरीज बहुत कम था. तो ये लास्ट बाइट है. आज प्रोटीन का मात्रा बहुत कम था. अभी बजा तकरीबन 6:45, डिनर खत्म हो गया. आई डोंट नो, मेरे को तो बहुत ज्यादा भूख लग रहा अभी, पता नहीं. जो भी हो, यही था अक्षय सर का डाइट प्लान. काफी रिक्वेस्ट आए थे अक्षय सर के डाइट प्लान के ऊपर. आएगा भी क्यों नहीं, बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स इंस्टाग्राम में अक्षय सर का है फ्रॉम इंडिया. तो एंड अक्षय सर इज अ वेरी फिट पर्सन. तो जो भी हो, ये था 7th वीडियो ऑफ माय सेलिब्रिटी डाइट प्लान. नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है बहुत सारे सेलिब्रिटीज के जिसके डाइट प्लान मैंने करके रखे हैं. शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, आप चेकआउट कर सकते हो. इसके बाद मैं सोच रहा हूँ सलमान सर का डाइट प्लान करूँ एंड उसके बाद लेट्स सी. बट फॉर द 10th वीडियो मैंने कुछ सोच के रखा है. 10th वीडियो मतलब बहुत खतरनाक होने वाला है. तो आई होप आप लोग देख सकोगे वो बहुत जल्दी. जो भी हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो थम्स अप. आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड आल्सो कमेंट बिलो व्हाटएवर वीडियो यू वांट टू सी नेक्स्ट. अगर आप चाहते हो कुछ और सेलिब्रिटीज के डायल प्लान तो नीचे कमेंट कीजिएगा एंड बताइएगा आप कौन से सेलिब्रिटी डायल प्लान चाहते हो. तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में.